हेलो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों में कैसे रखें खुद का ध्यान, कैसे रखें गर्भ का ध्यान, कैसे रखें अपने शिशु का ध्यान जो आपके गर्भ में पल रहा है, जो भी बहुत छोटा है, इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। 1 से 3 महीना पहली तिमाही होता है और ये बहुत नाजुक समय होता है किसी भी प्रेग्नेंट महिला के लिए। इस समय की गई लापरवाही परेशानी में डाल देती है, मुश्किल में डाल देती है, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, कई सारे समस्याओं को जन्म दे देती है। आप भी चाहती होंगी आपकी प्रेगनेंसी में कभी कोई दिक्कत नहीं आए, आपके शिशु के साथ कोई दिक्कत ना हो, गर्भ के साथ कोई दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रही हूँ कि आपको शुरुआत के 3 महीनों में क्या क्या करने हैं ताकि आप किसी प्रॉब्लम में ना आए। प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों में सही पोषण आपके और आपके शिशु के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय आपको प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फोलिक एसिड और फाइबर युक्त आहार का सेवन करना चाहिए ताकि शिशु का विकास और गर्भ का बचाव हो सके। प्रेगनेंसी के दौरान खाने पीने की तो सलाह सभी देते हैं और आपको भी पता है, पर इस समय आपको ये भी जानना जरूरी है कि गर्भधारण होने के बाद आत्मविश्वास में वृद्धि कैसे करें, खुश कैसे रहें, टेंशन में कैसे नहीं रहें। तो कुछ अच्छी चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दें जो प्रेगनेंसी के दौरान क्या करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, उसके बारे में अच्छी जानकारी आपको मिल सके। यानी पेरेंटिंग बुक्स को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। पर्याप्त मात्रा में नींद लेना, आराम करना, ये बहुत जरूरी है शुरुआत के 3 महीनों में। नींद अगर आपका पूरा होगा तो गर्भ का बचाव होगा, आप तनाव में नहीं रहेंगी। पर्याप्त मात्रा में पानी इस समय पीना बहुत जरूरी है गर्भ के लिए। इस समय आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना है। इस समय शिशु का विकास शुरू होता है, गर्भ का बचाव होता है, तो पानी की कमी आपको इस समय नहीं होने देना है। मौसम बदलते ही बीमारियां घेर लेती हैं, तो जब मौसम बदल रहा हो तो इस समय खुद का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी 1 से 3 महीने की है तो इसका खास ख्याल रखना पड़ेगा ताकि बदलते मौसम में आप कभी बीमार ना पड़ें। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में डॉक्टर की सलाह और नियमित चेकअप का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस समय आपको डॉक्टर दिखाना बहुत जरूरी है। अच्छे डॉक्टर का चुनाव करें, जब वो बुलाती है तब जाएं और चेकअप करवाते रहें। आपको अपने जीवन शैली में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। जो आपका रूटीन है उसमें आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। इस समय आपको तंबाकू, अल्कोहल या कुछ नशीली पदार्थों का सेवन आपको नहीं करना है, कैफीन नहीं लेने हैं, आपको कम चाय पीने हैं, कोल्ड ड्रिंक्स कम लेने हैं और चाइनीज फूड का सेवन आपको कम करने हैं। ज़्यादा थकान वाली और जोखिमपूर्वक गतिविधियों से बचें। भारी सामान उठाना, तेज चलना, उछल कूद करना, व्यायाम करना, इस समय ये सब नहीं किया जाता है। ये सब करेंगी तो आप मुश्किल में आ जाएंगे, आपका शिशु मुश्किल में आ जाएगा। प्रेगनेंसी के दौरान अपने पार्टनर, अपने पति, अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते रहें। इससे आपका मन लगेगा, इससे आपको तनाव नहीं होगा। पर दोस्तों, इस समय कुछ बातों का और ध्यान रखना है। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं होती है, ना आपको ज़्यादा खुशी होने की ज़रूरत होती है, ना आपको ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत होती है। आपको नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करना होता है, नॉर्मल इंसान की तरह रहना होता है। अपने रूटीन का सही पालन करें, अपने आप पर काबू रखें, अपने खाने पीने पे ध्यान दें, सही समय पर सोएं, सही समय पर उठें, ऐसी चीज़ों को पढ़ें जिससे आपका मन प्रफुल्लित हो। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताएं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।